दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों आपके बीच में लगातार अगर देखा जाए डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपके बीच में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं आप सभी के द्वारा लगातार अगर देखा जाए हम एक एक चीज़ों के बारे में आपको अपडेट्स रखने का प्रयास किया, ठीक है, कहीं आप गलत न कर दें इसके संदर्भ में मैंने आपके बीच में हमेशा आपको राह दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अगर देखा जाए कल रात मैंने लगभग 10:15 बजे के आसपास में एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें हमने कॉलेज के सत्यता के बारे में बताया कि कॉलेज वाले आपसे किस प्रकार से जो है फ्रॉडबाजी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलेज वाले काउंसलिंग में किस प्रकार से कर सकते हैं, फीस को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं। यार आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होने की इच्छाएं नहीं थी लेकिन मैंने सोचा एक बार आप लोगों के समक्ष जो कल की घटनाएं मेरे साथ हुई, ठीक है, उसको मैं आपसे रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बहरहाल यहाँ चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कुछ आपके कॉमेंट आए थे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपके बीच में आ रहा था डाइट व प्राइवेट की कट, लेकिन जो मेरे लिए सबसे अहम चीज बन गई है यहां देख पा रहे हैं कॉलेज वालों से मिल रही धमकी, ठीक है, जिसके पीछे वजह क्या है मैंने आपको अभी बताया कि आपको जो है कॉलेज वाले किस प्रकार से फ्रॉडबाजी कर सकते हैं, कहां पर फीस की घपलेबाजी हो सकती है, काउंसलिंग में क्या कुछ कैसे हो सकता है, ठीक है, हमने सारी चीजों पर एकदम जो है सीधे तौर पर फोकस किया था, ठीक है। कल जब मैंने हालांकि नंबर मैंने आपके बीच में दे दिया है, ठीक है, इस नंबर पर कॉल्स आए, लगातार कॉल्स आते रहे तो मजबूरन मुझे रिसीव करना पड़ा, ठीक है। तो इनकी तरफ से अभी हमारे पास हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग है मैं आपके बीच में सुना सकता हूं लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल अगर देखा जाए सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं रख सकता, मेरे पास कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है। उनकी तरफ से कॉल्स में मुझे कहा गया कि जो है आप ये सारी चीज़ें जो फीस को लेकर बता रहे हैं, काउंसलिंग को लेकर बता रहे हैं, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से और भी तमाम चीज़ें कही गई मुझे, ठीक है, मैं उस ऑडियो क्लिप को आपके बीच में सुना सकता हूँ लेकिन मैं नहीं सुनाऊँगा। देखिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, अगर इसी तरह से कमेंट आते रहे भैया तो मुझे मजबूरन जो है इस मुद्दे से हटना पड़ेगा, है ना। आपके भी कॉल्स आते हैं यार, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी फ्रॉड कॉलेज का शिकार हो जाएँ, ठीक, आए दिन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैंने 2022-17 में जब अभ्यर्थियों का एडमिशन कराया तो उस वर्ष तो डीएलएड का क्रेज़ इतना नहीं था लेकिन इस वर्ष क्रेज इतना ज्यादा है कि अब हम आपके बीच में क्या बताएं, ठीक है। इसी सब को मद्देनजर देखते हुए आपके बीच में भी मैंने नंबर दिया है, ये सार्वजनिक नंबर है, आपका भी कॉल्स आता है, उनके भी आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही गई, दिन में भी मेरे पास कई कॉल्स आए, है ना, सेम वही चीज़ें उनकी तरफ से भी कही गई। हालांकि अभी और भी चीज़ें हम आपके बीच में बताते हैं, डाइट व प्राइवेट की कट ऑफ मैंने आपके बीच में बता ही दिया था लेकिन आप उस कट ऑफ का विरोध कर रहे थे। देखिए मैंने आपसे कहा था हम कट ऑफ को और लोवेस्ट करके भी आपके बीच में बता सकते हैं कि आपकी कट ऑफ और लो भी जा सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा यार मुझे आपको बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यही आपसे बताया था कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है कम से कम 240 से 250 के आसपास में जा सकती है, ठीक है। बाकी जो भी कैटेगरी बच रहे हैं जैसे हम ओबीसी की बात करें तो कम से कम 235 के आसपास में ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, आप इसका भी विरोध कर रहे थे। देखिए आप विरोध करें या ना करें बहरहाल कट ऑफ को लेकर मैंने जो एग्जैक्ट चीज़ें आपके बीच में बताई है, आपके यहाँ लगभग हम बात करें ये मानकर चला जा रहा है कि लगभग ये 1,05,000 के आसपास में कैंडिडेट जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं इस वर्ष, ठीक है। तो ऐसे में जो कट ऑफ के चांसेस कहे जा रहे हैं वो लगभग जो है 240, मैंने जो एग्जैक्ट कट ऑफ आपके बीच में बताई है, जब पीएनपी की तरफ से कट ऑफ आ जाएगी तो खुद ब खुद आपका स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं यहाँ से कितनी फैक्ट चीज़ें मुझे बताई जाती हैं, ठीक है। बहरहाल आप विरोध कर रहे हैं, आप बिल्कुल जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट चीज़ें हैं मैं वही आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी ये कट ऑफ मैंने जो 2,240 बताई है ये हम 200 भी आपको बता सकते हैं लेकिन
200 बताने से कोई मतलब नहीं होगा, हम 190 भी बता दें उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट है, जो डाइट की कट ऑफ जा सकती है उसे आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। 12 तारीख को आपकी स्टेट रैंक जारी होगी, खुद ब खुद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं कितने हाई मेरिट वालों को लिया जा रहा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो डिलीट नहीं होगा, इस चीज़ को आप नोट करिएगा, ठीक है। 233,350 सीटें हैं, 300,000 जो है लगभग 38,000 आपके बीच में फॉर्म पड़ चुके हैं, फॉर्म क्या पूरे फाइनल सबमिट हो चुके हैं। तो ऐसे में कंपटीशन का जो लेवल है, एडमिशन का लेवल है, वो पूरी तरह से इस बार बढ़ा हुआ है। आप 180-182 की बात कर रहे थे मुझे मिल जाएगा या नहीं, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति ज़रूर है। फिलहाल के लिए अगर आपको काउंसलिंग का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को वरीयता दीजिएगा, ठीक है, यही मैंने आपसे बताया था। चलिए, यहाँ जो है काउंसलिंग कॉलेज के माध्यम से होगा, इसी को लेकर लोग ज़्यादा परेशान हैं, इसको और ये फीस को लेकर, ठीक है। फीस व काउंसलिंग की सत्यता मैंने आपसे बताया था, ठीक है। लोगों का यही कहना है कि आप ये जो फीस की बातें कर रहे हैं और काउंसलिंग की बातें, मैंने आपको यही बताया था भैया कि आप अगर किसी कॉलेज के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं, मैं मानकर चलता हूँ कि मैं एक पूरा मैंने आपको उदाहरण देकर चीज़ें बताई थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अगर आप एक, मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक कॉलेज का जो है प्रबंधक हूं, है ना, मेरे पास पांच कॉलेज हैं, आपने मेरे पास आया और आपने कहा भैया कि आपके कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, तो मैंने आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पास सबमिट कर लिया, ठीक है। और मैं करूँगा क्या, जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होने लगेगी तो हम यही पाँच कॉलेज को वरीयता देंगे आपके लिए, ठीक है। आपको कॉलेज मिले या ना मिले उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं लॉक करूँगा तो पाँच ही कॉलेज को करूँगा। मैं मानकर चलता हूँ कि दूसरे चरण में आपकी काउंसलिंग है, मैंने पांच कॉलेज को लॉक किया, पांच कॉलेज को कर दिया। अगर इस पांचों कॉलेज में मुझे दूसरे चरण में कॉलेज नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, आपको तीसरे चरण में लेके चले जाएंगे। अब तीसरे को चरण में नहीं मिलता है तो अगर कोई चरण और बचा है तो उसमें भी लेके जाएंगे। खुदन खास्ता अगर तीसरे को में भी नहीं मिला तो आपको मौका मिलेगा तो डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है। और डायरेक्ट में भी नहीं मिला तो आप ये क्या कहेंगे, भाई इनका तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ये तो कह देंगे कि आपके मेरिट उस लायक नहीं थे इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आकर सर ये गिराएंगे, कहेंगे कि मैं क्षमा चाहूँगा कि आपका जो एडमिशन है वो इस कॉलेज के मेरिट के हिसाब से आपका नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर आप अपने हिसाब से काउंसलिंग करते हैं तो आप जैसे ये पाँच कॉलेज लॉक कर रहे हैं, आप 20 कॉलेज लॉक कर दीजिए, है ना, आप 20 कॉलेज लॉक कर दीजिए तो कोई माई का लाल नहीं है, आपको काट देगा कॉलेज मिलने से, ठीक है, कॉलेज 100% मिलेगा। इसलिए मैंने यही आपको बताया था कि किसी कॉलेज के जो है संपर्क में ना जाकर आप खुद कॉलेज को लॉक करें, इसका विरोध उन्होंने किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझे कहा लेकिन हमारा एक ही कहना था कि भैया अगर बच्चों का सपोर्ट मेरे लिए रहा तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपका सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर सपोर्ट, अगर आप चाहते हैं मैं अनवरत इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं और आपको फैक्ट चीज़ों के बारे में आपको सुरक्षित में रखने का प्रयास करूं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आज का यह वीडियो आपके लिए लास्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया और हमने जो है फीस के बारे में यही बताया था, जो है फीस के बारे में लोग आपको लुभावनी भरी चीज़ें दे रहे हैं कि आइए मेरे यहाँ 20,000 में एडमिशन होगा, 25,000 में एडमिशन होगा, ठीक है। इस तरह की बातें आपके बीच में आ रही हैं, कोई कह रहा है मैं 60,000 में दोनों साल आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए, कभी ये संभव नहीं है, कोई अपने जेब से, आप उनके घर के बच्चे नहीं हैं, ठीक, कोई अपने जेब से आपको नहीं पढ़ाएगा। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर कोई 20,000 में कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप वो लेगा, अगर खुदा खास्ता स्कॉलरशिप नहीं है तो आपसे 21,000 की डिमांड और करेगा कि कम से कम आप जो है 41,000 आपकी अपनी फीस जो है पेमेंट करें। और भगवान न करें आपके साथ ऐसा हो कभी, खुदा न खास्ता आप 41,000 देने, 20,000 और देने की स्थिति में नहीं हैं आप ना, तो आपको करेंगे क्या, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहीं से आपका जो एडमिट कार्ड है, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हमें नहीं देंगे, है ना, वहीं से आप फंस जाएंगे। आपके पास ये कंडीशंस होगी कि या तो आप DLED ही छोड़ दीजिए या तो आप किसी तरह से फीस को पेमेंट करें उनके पास, ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी, इसके लिए भी उन्होंने मेरे पास विरोध किया। आज दिन भर हम एकदम, अगर बात करें, हालांकि हम दिन में भी आपको बता सकते थे लेकिन हमने दिन में आपको नहीं बताया, चूँकि
पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ें व्यक्त करना यह नामुमकिन होता है। ठीक है, मैंने सोचा आपको शाम को ही जो है अपडेट करता हूँ। ठीक है, इसका भी विरोध उन्होंने किया। तो बहरहाल आप क्या चाहते हैं, आप वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर इसी तरह से धमकियाँ मिलती रहें तो भैया मैं क्षमा चाहूँगा, वीडियो आपके बीच में नहीं दे पाऊँगा, जैसे और चैनल्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं जो मैं भी वीडियो देखता हूँ, ऐसा नहीं है। लोग और क्या कर रहे हैं, लोग मेरे ही वीडियो को कॉपी कर रहे हैं, आप माने या ना माने। ठीक है, लोग मेरे ही वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं और वो अपने तरीके से बता रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्ट मैं अगर कहूँ आपसे, जब से मैंने चैनल बनाया है हमेशा मैंने डीएलएड का सपोर्ट किया है। ठीक है, तब से मैं डीएलएड की अनवरत क्लासें भी देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासें चलती हैं। जो लोग जो अपने आप को क्लासें करते हैं उनका क्लासें अच्छी तरह से हैंड रिटन नोट्स के साथ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल आप क्या चाहते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे बताएंगे। और हाँ, हमने डायरेक्ट एडमिशन पर भी ये चीज़ें बताई थी कि कॉलेज वाले आपसे डायरेक्ट एडमिशन कराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा है। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जब फाइनली वीडियो समाप्त सॉरी जब काउंसलिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाती है। तो ये लोग किस आधार पर अभी से डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, जब तीन चार चरण की काउंसलिंग होगी, जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी एंड हो जाती है उसके बाद आपका जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो कराया जाता है। ठीक है, अभी से आप इनके चक्कर में मत आइएगा। और कॉलेज की जहां तक बात है, आप अपने हिसाब से कॉलेज को लॉक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफर करिएगा। इसलिए जो है, चूँकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, एडमिशन ज़्यादा है, नहीं तो आप जो है कॉलेज की जो है वितरण जब आपका होगा तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये चीजें होती हैं, अगर पहले चरण में आपको नहीं मिलता है तो आपको दूसरे चरण में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरे के अब नहीं मिला तो तीसरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये चीजें होता है। लेकिन आप काहे पहले से दूसरे में जाएंगे, पहले में आपको कॉलेज मिल जाए ये सबसे बेहतर है। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यार, इसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। जो कॉलेज वाले तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, कम से कम मैं अगर कहूँ तो 5 से 7 कॉलेज का फ़ोन मेरे पास आ चुका है। फ़ोन तो जल्दी रिसीव नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाता है ज़्यादातर कॉल्स आ रहे हैं तो कॉल बैक भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैंने किया कॉल बैक तो यही चीज़ें, तमाम तरह की गालियाँ गलौज भी उन्होंने किया। ठीक है, तो यार आज अंतरात्मा बड़ी दुखित है। ठीक है, मन नहीं कर रहा था वीडियो देने के लिए, लेकिन मैंने सोचा आपको भी इसके संदर्भ में मैं अपडेट करूं। फिलहाल के लिए आप चाहते क्या हैं, मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं, प्लीज़ मुझे आप जो है अपने फीडबैक दें, आप वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप उम्मीद करते हैं कि शेयर जरूर करेंगे, और भी लोग जो हैं उनको भी आप अपडेट करने का प्रयास करें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।